बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 8 के लिए मैं साइंस पढ़ाता हूँ। टॉपिक है मेरा आज माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया आल्सो कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल, इसे पावर हाउस ऑफ द सेल के नाम से भी पुकारा जाता है क्योंकि एनर्जी प्रोवाइड करता है सेल को। और इसकी सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो मैं इसमें नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि 8वीं के बच्चे के लिए, लेकिन कोई और भी इसे जानना चाहिए। पावर हाउस ऑफ द सेल, एनर्जी ये कहाँ से प्रोड्यूस करता है, क्योंकि एटीपी प्रोड्यूसर है और दैट एटीपी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है वो, और वो एनर्जी प्रोवाइड करता है सेल को। उसके बाद आता है क्लोरोप्लास्ट, सेल ऑर्गेनल्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्लांट्स एज दे आर इन्वॉल्वड इन फोटोसिंथेसिस। वो सेल ऑर्गेनल्स हैं ये क्लोरोप्लास्ट, जो फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व होते हैं क्योंकि इनके पास एक ग्रीन पिगमेंट होता है जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं, और क्लोरोफिल मदद देता है सनलाइट को एब्जॉर्ब करने में, जो कि फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत ज़रूरी है। और इन दोनों सेल ऑर्गेनल्स की बात करें, कोई इनको सेमी ऑटोनॉमस के नाम से भी जाना जाता है, सेमी ऑटोनॉमस, सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनल्स। क्यों? बिकॉज दे आर पार्शली अंडर द कंट्रोल ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस नो डाउट इज बॉस ऑफ द सेल, बट दीज आर सेमी ऑटोनॉमस, ये पूरे के पूरे न्यूक्लियस के कंट्रोल में नहीं है। और अभी हम चंद दूसरे न्यूक्लियस के कंट्रोल तहत कहीं नजर।